आज हम अलग आलू बना रहे हैं और चिकन के साथ, क्योंकि हमारी नवासी आलू खाती है इसलिए आलू डाल रही हूँ। और ये मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक डाल रही हूँ, 2 कड़ू जीरा तेज दिया था मैंने उसमें डाल दिया, मसाले का बना रही हूँ। इसमें मैंने धो के रखी हुई थी और लहसुन भूनूंगी, उसी लहसुन अदरक के साथ ये पिस जाएगी, इसलिए पिस लूंगी इसमें। अब हम इनके साथ आलू भी डाल रहे हैं ताकि आलू भी हम फ्राई कर लें, फ्राई कर लें आलू को। तो ये देखिए आलू और हमारे चिकन फ्राई हो रही है साथ। 2 मिनट और फ्राई करेंगे फिर हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने लहसुन अदरक डाला था, उसके बाद चिकन फिर आलू, दोनों फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम मसाले डाल रहे हैं, ये हरी मिर्च हैं और टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लेंगे। धनिया जो है हम 1.5 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच हो गया और 1/2 चम्मच धनिया और डाल, हल्दी डाल देते हैं 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच जो है हमने किसी भी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी वो डाल देते हैं। ये हम डाल देते हैं इसमें जीरा कुटा हुआ, भुना कुटा जीरा 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हम काली मिर्च डाल देते हैं, नमक जो है वो हसबे ज़्यादा डालेंगे इसमें। देख लीजिएगा नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि पालक नमकीन होती है, डाल दें और आप हम मिक्स करें। खुशबू आ रही है मसालों के अलग, काली मिर्चें जीरे हर चीज़ की खुशबू आ रही है, मिक्स किया है तो बहुत अच्छा जैसा बनता है पालक। अब हम पालक डालेंगे, डालने की ज़रूरत नहीं है, पालक अपना पानी खुद छोड़ती है। 1.25 किलो पालक है, 1/2 किलो चिकन है, 1/2 किलो आलू दिए हमने और 1.25 किलो पालक। चलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद कम हो जाएगी जैसे जैसे भाप लगेगी इसे, फिर हम 10 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। ये हमारा सालन तैयार हो चुका है, अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, डिश आउट करें। देखिए हमारा पालक आलू और चिकन तैयार हो चुका है और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करके देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।